नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत कोटेचा आपके सामने एक राग वृंदावनी सारंग की बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध बंदिश तीन ताल में जो की है वो लेके आया हूँ। उसका एक बहुत ही बढ़िया सा ट्यूटोरियल आपके सामने पेश करूँगा, नोटेशन के साथ गाकर, शब्दों गाकर और फ्लूट में भी बजाकर। तो ये बहुत प्राचीन वृंदावनी सारंग राग की बंदिश है, बन बन ढूंढन जाऊँ कि तहूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। राग वृंदावनी सारंग जो कि 5 स्वरों का पौंडव जाति का राग है। इसके वादी और संवादी रे और प है, ग और द पूर्णतया वर्जित है और नी दोनों लगते हैं, आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी। ये चंचल प्रकृति का और श्रृंगार प्रधान और भक्ति प्रधान राग है। गुजरात राजस्थान के फोक सॉन्ग्स इसमें अच्छे गाए जाते हैं। तो इसकी एक तीन ताल की बंदिश शुरू करते हैं जो कि 9वीं मात्रा से शुरू होती है और पहली मात्रा पे सा म के ऊपर सम है। बन बन ढूंढन जाऊं, तो यहाँ जा के ऊपर सम है, एक पहली मात्रा है। 9वीं मात्रा से बन बन ढूंढन शुरू होता है। तो पहले इसको शब्दों में और फ्लूट में ताल के साथ देख लेते हैं, बाद में इसकी नोटेशन देखेंगे। के साथ सीखते हैं कैसे गाई बजाई जाती है। तो पहली लाइन है बन बन ढूंढन जाऊं, सानी सारे सानी पनी पमरे सामरे पमा पा। थोड़ी कम स्पीड में इसको नोटेशन बताता हूं ताकि आप उसको कैच कर सकें।
सानी सारे सानी पानी पम रे सा म रे पा म पा। लास्ट में जो पा है वो चार बीट एक्सटेंड करना है। पहला जो सानी ये एक एक बीट का है, फिर चार बीट डबल ले वाला है। सारे सानी पानी पम रे सा म रे पा म पा। तो पूरी लाइन सानी सारे सानी पानी पम रे सा म रे पा म पा। बाना बाना ढूंढन जाऊं कित छिप गए कृष्ण मुरारी म प सरनी सा नी प म रे रे म नी प म रे सा म प सरनी सा नी प म रे रे म नी प म रे सा कित छिप गए कृष्ण मुरारी। कीता हूँ तो ये हूँ ये जो खटका बोलते हैं इसको सरणी सा म प सरणी सा नी प म रे रे म यहाँ मुर्की है नी पम नी पम नी पम रे सा नी पम रे सा म प सरणी सा नी पम रे रे म नी पम रे सा। यहाँ खटका और मुर्की दोनों का उपयोग हुआ है, देख लीजिएगा। कीता हूँ छिप गए कृष्ण मुरारी। कीता हूँ यहाँ पे खटका है और कृष्णा मू यहाँ पे मुर्की है। अभी इसका अंतरा शीश मुकुट और कानन कुंडल म म म प प नी नी सा 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 रे नी सा सा म म म प प नी सा 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 रे नी सा सा शीश मुकुट और कानन कुंडल म म म प प नी नी सा 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 रे बंसी दर मन रंग फिरत गिरे निसारे मारे रे सा सा निसारे सा नी रे सा नी प। फिर से बंसी दर मन रंग फिरत गिरे निसारे मारे रे सा सा निसारे सा नी प। बंसी दर मन रंग फिरत गिरे दारी। अब ये जरा डबल ले वाली तान जैसा है, तान में कैसे कहते हैं म प नी सा रे मारे सा रे सा नी प म प म प नि सा रे म रे सा रे सा नी प म प दारी। म प नि सा रे म रे सा रे सा नी प म प दारी। म प नि सा रे म रे सा नी प म प।
रे म रे सा नी सा रे सा नी प म प बा न बा न डू ड न जाऊं सा नी सा रे सा नी प नी प म रे सा म रे प म प बा न बा न डू ड न बा न बा न डू ड न बा न बा न डू ड न जाऊं सा नी सा रे सा नी प नी प म रे सा नी सा रे सा नी प नी प म रे सा सा नी सा रे सा नी प नी प म रे सा म रे प म प प्राचीन बंदिश। ये बंदिश मैंने 35 years के पहले 35 साल पहले मैंने खुद सीखी थी जब मैं नया नया क्लासिकल सीखना शुरू किया था। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही पुरानी, प्रसिद्ध और एकदम पारंपरिक बंदिश है वृंदावनी सारंग की। आप इसको जरूर से सीखिएगा। अगर इसको कम लय में एक एक लाइन 10-10, 20-20, 50-50 बार बजा कर आप ट्राई करेंगे तो पूरी बंदिश आपको 2 दिन में याद भी रह जाएगी और अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएगी। आप जरूर से करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा और आपके सजेशंस या फरमाइश या कमेंट्स हैं तो वो भी दीजिएगा। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।